जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 90,000 करोड़ बजट के साथ, पैसे के साथ अब हमारे भारत 6 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक अटैक सबमरीन को डेवलप करने जा रहा है। जी हां, जो कि हमारे भारत में स्वदेशी इंडिजिनस तौर पर विकसित किया जाएगा और 2032 तक फास्ट सबमरीन को पनडुब्बी को हमारे आर्म फोर्सेस को डिलीवरी कर दिया जाएगा। यह प्लानिंग अभी बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखें, टोटल 6 सबमरीन को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा, जो कि फास्ट फेज में हमारे गवर्नमेंट की तरफ से 3 सबमरीन के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, फिर बाद में ये कम्प्लीट होने के बाद और 3 को डेवलप किया जाएगा। मतलब यहां पर फास्ट हमारे गवर्नमेंट की तरफ से 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, मतलब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अटैक पनडुब्बियों के निर्माण डेवलप के लिए एक मेगा इंडिजिनस स्वदेशी प्रोग्राम परियोजना को मंजूरी देने की तैयारी किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहां पर स्पेशल हिंद महासागर में चीन की विस्तारवादी नौसैनिक पदा चिन्ह या फुटप्रिंट का मुकाबला करने के लिए यहां पर हमारे इंडियन नेवल फोर्सेस की तरफ से ये लंबी योजना को बनाया जा रहा है। और ये फ्यूचर प्रोग्राम को स्पेशल हमारे इंडियन नेवल फोर्सेस के लिए, हिंद महासागर के लिए नहीं, उससे भी और आगे के लिए ये योजना बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से साउथ चाइना सी के ऊपर भी अभी से नज़र दिया जा रहा है। और ये मिशन को फुलफिल करने के लिए ये प्रोग्राम का बात को एक साल पहले से ही उठाया जा रहा था और यहाँ पर हमारे कैबिनेट कमिटी ने 1 या 2 महीने के अंदर ये प्रोग्राम बिल पास कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये सबमरीन बहुत ही एडवांसड लेवल होंगे, जो कि 6,000 टन बेसिड रहेंगे और इसे नौसैनिक भाषा में SSNS, मतलब सॉफ्ट सरफेस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन रखा जाएगा। ये फ्यूचर को देखते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल सोनार के साथ इसे लेस किया जाएगा और ये एक सबमरीन का कॉस्ट 15,000 करोड़ रुपया होगा। जी हाँ, यहाँ पर फास्ट फेज में हमारे इंडिजिनस, हमारे लोकल शिप बिल्डर के तरफ से 3 सबमरीन को 10 साल के ही अंदर यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मतलब 2032 तक फास्ट सबमरीन हमारे नेवल फोर्सेस को ये शिप बिल्डर्स के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 2040 तक ये टोटल 3 सबमरीन हमारे नेवल फोर्सेस को यहाँ पर ये शिप बिल्डर के तरफ से डिलीवरी कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, फंडिंग यहाँ पर एक बड़ी समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 45,000 करोड़ को ये रुपया को कवर करने के लिए 20 साल ही हमारे पास टाइम रखा गया है। अभी हमारे भारत के पास 2 न्यूक्लियर अटैक का सबमरीन से ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि INS अरिहंत और INS अरिहंत है। और INS अरिहंत को इसी साल 2021 में फुल्ली ऑपरेशनल किया जाएगा और INS अरिहंत 2018 से ऑपरेशनल है। हमारे भारत पहले से मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर बम को डिलीवरी कर रहा था। मतलब यदि हमें ज़रूरत पड़े तो हम मिराज 2000 एयरक्राफ्ट से ही ये न्यूक्लियर बम को शत्रु के ऊपर गिरा सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर INS अरिहंत शामिल होने के बाद हमारे भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से आ गई। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। और यहाँ पर INS अरिहंत और INS अरिहंत पर के सीरीज के K4 मिजाइल को यहाँ पर लेस किया गया है, जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिजाइल होता है। और ये जो फ्यूचर सबमरीन्स को डेवलप किया जाएगा, तो इसके लिए अग्नि SLBM एक न्यू वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है, जो कि अग्नि ही टेक्नोलॉजी से इसे और थोड़ा रिवाइव करके SLBM सबमरीन लॉन्च बेस्ड बैलिस्टिक मिजाइल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और यह अग्नि SLBM मिजाइल 6000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। साथ साथ K6 SLBM सबमरीन लॉन्च बेस्ड बैलिस्टिक मिजाइल को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 6000 से 10000 किलोमीटर तक लाइट वेट पेलोड के साथ ये टारगेट कर सकता है। और एक एडवांसड वेरिएंट K4 मिजाइल को यहाँ पर हमारे DRDO की तरफ से फ्यूचर सबमरीन्स को देखते हुए रेडी किया जा रहा है, जो कि स्पेशल टेक्नोलॉजी से लेस रहेगा। मतलब शत्रु के एंटी बैलिस्टिक मिजाइल डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो पे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे थम्सअप दीजिए। जय हिंद, जय भारत।